वेलकम टू डाइट अकेडमी क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे मुख्य परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है। 3 मार्क्स पे शॉर्ट पे आएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और पीटी में रिलेटेड इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट आपका क्या होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम सीवी रमन के भी कहते हैं ना शॉर्ट में, द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करने की स्मृति में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनकी खोज करने की स्मृति मनाया जाता है, ना कि जन्मदिन। ओके, ये गलती मत करिएगा, नहीं आपको पता भी रहे और लिख दें कि जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है ना, रमन इफेक्ट की इस दिन खोज की थी इसलिए मनाया जाता है। ओके, अगर देखें पहला राष्ट्रीय, दूसरा पॉइंट इसमें जो देखेंगे हम, पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अगर देखें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, ये पॉइंट आपको लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे मार्क्स पे विशेष जोर रहेगा। लोगों में विज्ञान के महत्व ओके और अनुप्रयोग के संबंध में संदेश का प्रचार करना, ये उसका उद्देश्य है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाने का। ओके, जैसे आप देख रहे हैं प्रोफेसर सी वी रमन है ना, इन्हें फिजिक्स का नोबल प्राइज मिला है 1930 में इसी रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए। ओके, 1988 में उनका जन्म हुआ था, डाइट कब हुआ 1970 में। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ठीक है, मॉलिकुलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबल प्राइज मिला है ना,